पृथ्वी अपने इतिहास में कई बार भयंकर सर्दियों से होकर गुजर चुकी है, जिसके दौरान काफी लंबे समय तक धरती बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई थी। ऐसे समय को आइस एजेस के नाम से जाना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन धरती अभी भी आइस एज से होकर गुजर रहा है। आइस एज क्यों आता है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहला आइस एज कब आया था और यह कितने समय तक चला था। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह पता किया है कि धरती पर सबसे पहला हिमयुग आज से 2.1 से लेकर 2.4 अरब साल पहले आया था, जो कि कई 100 मिलियन साल तक चला था। इस आइस एज के पीछे क्या कारण था? क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन ही वो कारण था जिसने इस पहले हिमयुग को अंजाम दिया था? शुरुआती धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था ही नहीं। उस समय धरती के वायुमंडल में मीथेन अभी की तुलना में काफी ज्यादा था। मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक सनलाइट को ट्रैप करता है। उस समय पर सन अभी के तुलना में कम चमकीला था, जिससे उस समय अभी के तुलना में कम हीट अर्थ तक पहुंच पाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी धरती का टेम्परेचर कम नहीं था, क्योंकि शुरुआती एटमॉस्फेयर में मीथेन कुछ ज्यादा ही मौजूद था, जो सन से मिलने वाले हीट को अच्छे से ट्रैप करता था और धरती को गर्म बनाए रखता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आइस एज को शुरू कर दिया और बीतते समय के साथ धरती का टेम्परेचर गिरता गया। 2.5 अरब साल पहले धरती पर साइनोबैक्टीरिया का इमर्जेंस हुआ। ये वो पहले बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम थे। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सनलाइट की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में ये ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलकर समुद्र तल में जमा होने लगे, जो आयरन ऑक्साइड के रूप में था। जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती गई, ये एटमॉस्फेयर तक पहुंचने लगे, जिसने सबसे बड़े ऑक्सीजन के विस्फोट को अंजाम दिया और धरती का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भरने लगे। यह ऑक्सीजन उस समय धरती पर मौजूद जीवों के लिए हानिकारक था, जिससे उस समय के जीवों का सफाया होने लगा। ये कोई बड़े विशालकाय जीव नहीं थे, बल्कि ये सभी सूक्ष्म जीव ही थे। इस प्रक्रिया ने धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल कर रख दिया, जिसमें ऐसे जीव रह सकते थे जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती। सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन इस ऑक्सीजन ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को क्रिएट किया। शुरुआती एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस काफी ज्यादा मौजूद था, जो सन से मिलने वाली हीट को अब्सॉर्ब करके इस धरती को गर्म बनाए रखता था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन वायुमंडल में आया, इसने मीथेन से रिएक्ट करना शुरू किया, जो इसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ने लगे। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है, लेकिन यह मीथेन की तुलना में कम सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। उस समय सन अभी के तुलना में कम चमकीला था, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित मीथेन इस कम चमकीले सन में भी टेम्परेचर को बैलेंस रखता था। लेकिन ऑक्सीजन के आते ही यह बैलेंस टूट गया और धरती का टेम्परेचर कम होने लगा। इस टेम्परेचर में कमी के वजह से जगह जगह पर धरती जमने लगी, जो सनलाइट को अब रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने लगे, जिसने धरती के टेम्परेचर को और भी कम करना शुरू कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि धरती पहले आइस एज के भयानक चपेट में आ गया। इस पहले आइस एज को ह्यूरोनियन आइस एज के नाम से जाना जाता है। यह आइस एज करीब 300 मिलियन सालों तक चला। आखिर कैसे इस आइस एज का अंत हुआ, इस बात पर रिसर्च अब भी जारी है। लेकिन कुछ हाइपोथेसिस ये कहता है कि ज्वालामुखीय गतिविधि ही वो कारण रहा होगा जिसने एटमॉस्फेयर में अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, जिसने आखिर में धरती को गर्म किया और धरती इस आइस एज से बाहर आ पाया। ह्यूरोनियन आइस एज का परिणाम क्या हुआ? इस आइस एज के दौरान धरती पर कई बदलाव हुए। धरती से उन जीवों का सफाया हो गया जो बिना ऑक्सीजन के सांस लेते थे, और फिर उन जीवों का उदय हुआ जो ऑक्सीजन में सांस लेने लगे। इसके बाद मल्टी सेल्यूलर जीवों का आगमन हुआ और धरती पर जीव मंडल को एक नया रास्ता प्रदान हुआ। परिणाम स्वरूप धरती पर कॉम्प्लेक्स जीवों का विकास हुआ। उसके बाद धरती पर कई आइस एजेस आ चुके हैं। क्रायोजीनियन आइस एज, यह 720 मिलियन साल पहले शुरू होकर 635 मिलियन साल पहले खत्म हुआ। इसके अंतर्गत भी लगभग सारा प्लेनेट आइस से ढक चुका था। फिर आया अंडियन सहारन आइस एज, जो 450 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 420 मिलियन साल पहले तक चला। उसके बाद आया कैरू आइस एज,
जो 360 मिलियन साल से लेकर 260 मिलियन साल पहले तक चला। सबसे आखिर में आया क्वार्टरनरी आइस एज और वैज्ञानिक मानते हैं यह आइस एज अभी भी धरती पर है, जो कि अपने अंतिम समय में है। इसकी शुरुआत 2.6 मिलियन साल पहले हुई थी और यह आज से करीब 10,000 साल पहले खत्म होना शुरू हुआ, जो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।